हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अगेन दी मॉम सपोर्ट बाय ज्योति। आई विश कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज जो है आज वीकेंड है, तो वैसे तो वीकेंड को जनरली जो लोग हैं वो देर से सो के उठते हैं, बट मैं आज बहुत जल्दी सो के उठी हूँ, क्योंकि आज जो है वो हम दिव्या का फ़ोटोशूट कराने वाले हैं। कि हमने जो बेबी की नेमिंग सेरेमनी के टाइम पे जो फ़ोटोशूट किया था, उस फोटोशूट को हमने रवि के एक फ्रेंड से ही करवाया था, बट उसमें दिव्या के पिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। तो हमने थोड़ी सी कंप्लेन की थी कि दिव्या के पिक अच्छे नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं घर आके वापस से दिव्या के पिक्स क्लिक करूँगा, तो ही इज़ कमिंग टुडे। तो एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, हमने उनको पहले बोला था कि आप आफ्टरनून में आना, तो हम आराम से दिव्या को रेडी करके रखेंगे, बट अभी उन्होंने कल रात में लेट नाइट बोला कि एक्चुअली उनका आफ्टरनून में कोई और अपॉइंटमेंट है, तो वो मॉर्निंग में आने वाले हैं, तो अभी वो 10 बजे आ जाएंगे। इसलिए मैं जल्दी से उठी हूँ, क्योंकि 10 बजे तो दिव्या का उस मालिश का टाइम होता है 9:30 बजे, तो मैं जल्दी से उठी हूँ, क्योंकि मुझे वरना नहाने का वगैरह टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं फटाफट से नहाने जाती हूँ, रेडी होती हूँ, एंड ये मैंने बालों में जो स्ट्रेटनिंग वगैरह है ना, वो कल रात में ही कर ली थी, वो भी आपको शॉर्ट दिखाती हूँ मैंने कल रात में क्या क्या किया, क्योंकि बेबी के साथ में ना सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो जो जो कुछ रात में हो पाया वो मैंने रात में कर लिया है। अभी मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, उसके बाद दिविशा को रेडी करना है, उसको फीड कराना है, ताकि वो फोटोशूट के टाइम पे थोड़ी सी नॉर्मल रहे, ज़्यादा रोए ना। चलो मैं फटाफट से तैयार होती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बजे हुए हैं रात के 2, एंड रात के 2 बजे मैं अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने दिव्या को उठाया था फीड कराने के लिए, तो फीड करने के बाद वो ना वापस से जाग गई, एकदम खेलने वाले मूड में आ गई, तो मैंने सोचा चलो जब वो खेल ही रही है तो मैं मौके का फ़ायदा उठा के अपने बालों को स्ट्रेटनिंग कर लेती, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं लगेगा। तो बालों को स्ट्रेटनिंग करने के बाद मैं बैठ गई बलून्स ब्लो करने के लिए, क्योंकि मैंने एक थीम डिसाइड की थी फोटोशूट के लिए, जिसमें मुझे बलून्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मैं रात में बलून भी ब्लो करके रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग फोटोशूट है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये देखो दिव्या, वो मस्त एकदम खेलने वाले मूड में है अभी रात को। ये दिव्या, अरे वाह, दिव्या को बलून देखिए ना, बलून देखिए। अरे वाह दिव्या, यू लव्ड इट, दिख रहे बलून्स। हो गई हूँ नहा के रेडी, मतलब नहा लिया है मैंने, रेडी अभी नहीं हुई हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा है कि हम ना 2-4 कपल पिक्स जो है ना वो भी क्लिक करवा देंगे, क्योंकि हमारे से कपल पिक्स नहीं हुए हैं नेमिंग सेरेमनी के टाइम पे, वो ट्रेडिशनल वाले पिक्स थे। तो मैंने कुछ जो पिक्चर्स है वो गूगल से निकाल के रखे हैं पोजेस, तो मैंने सोचा, मैंने रवि को बोला कि हम ये पिक्स भी क्लिक करा देंगे। इसके लिए मैंने एक ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का ड्रेस लिया है। तो अभी मैं ना सोच रही हूँ कि दिव्या सो रही है, तो मैं जल्दी से ना नाश्ता बना के रेडी कर देती हूँ, नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद जैसे ही दिव्या उठेगी उसे फीड करा दूँगी। उसको रेडी करने के बाद फिर लास्ट में जब दिव्या की फोटोशूट हो जाएंगी, तब मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो पूरा वाइट है, उसे पहले से पहनूंगी तो वो ख़राब हो सकता है। तो चलो मैं जल्दी से ना पहले नाश्ता बना लेती हूँ, और उसके बाद दिव्या को रेडी करके मिलती हूँ आप लोगों से। एंड अगेन, आज नाश्ते में बन रहे पोहे, तो आज मैंने ना पोहे में टमाटर भी डाला है, थोड़ा सा टमाटर डालने से ना टेस्ट अच्छा आता पोहे का। मैं कभी कभी ट्राई करती हूँ कि पोहे में ना टमाटर डाल के बना लूँ। एंड साथ में मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो रवि को एग नहीं खाना था, तो मैंने बस एक एग अपने लिए बॉईल करने के लिए रखा है। तो ये लोग, मेरा पोहा जो है वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। रवि दिव्या की मालिश चल रही है ना, बस मालिश चलती है ना उस टाइम पे मुझे टाइम मिलता है कि मैं जल्दी से अपने लिए नाश्ता बना लूँ, तो बस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो ये व्हाइट कलर की बेडशीट है जो मैंने अमेजन से मंगाई थी दिव्या के फोटोशूट के लिए, तो ये बस अभी मॉर्निंग में ही डिलीवर हुई है, क्योंकि इसे यूज़ करके हम आज फोटोशूट करने वाले थे, लकीली आज मॉर्निंग में आ गई। तो ये पूरी सॉलिड व्हाइट कलर की कॉटन की बेडशीट है। अभी दिव्या की मालिश वाली आंटी उसे नहला रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप निपटा लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ। तो पोस्ट डिलीवरी दिस इज द सेकंड टाइम मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। पहला मेकअप मैंने नेमिंग सेरेमनी के दिन किया था, एंड आज अभी फोटोशूट था, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना मेकअप करके रेडी हो जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ना अपना हल्का सा टचअप वाला ही मेकअप करी थी। बहुत ज़्यादा एकदम मुझे लाउड मेकअप नहीं चाहिए था, मुझे एक डिसेंट सा मेकअप चाहिए था। तो मैंने सोचा कि दिव्या जितनी देर में नहा के आएगी ना, तब तक मैं अपना आधा मेकअप कर लूँगी, एंड उसके बाद उसको रेडी कर दूँगी जल्दी से। तो वैसा हो गया कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता खुद के लिए मेकअप करने का, बट आज लकीली मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। एंड आज हमने दिव्या को वापस से नेमिंग सेरेमनी वाला ड्रेस पहना दिया, क्योंकि उसके डैड को इस पिक्स ड्रेस में भी कुछ पिक्स चाहिए थे दिव्या के, एंड उसको ना हेयर बैंड भी लगा दिया। एंड देखो अभी दिव्या कितनी क्यूट लग रही नहा के ना, आज पहली बार एकदम खेलने वाले मूड में, क्योंकि इसे मैंने ना नहलाने की जस्ट थोड़ी देर पहले ही फीड दे दिया था। सोना बाबू कौन है?
तो ये दो और ड्रेस है जिसमें मैं दिव्या का फोटोशूट करवाने वाली हूँ, तो ये वन सीज पैटर्न में है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगाए थे, ये काफ़ी क्यूट भी है, तो लेट्स सी दिव्या कितना कोऑपरेट करती है, उसके अकॉर्डिंग कितने ड्रेस पहन पाएगी वो डिसाइड हो पाएगा। तो बस यहाँ पे दिव्या का जो फोटोशूट है वो स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, एंड अभी ये लोग ना एंगल डिसाइड कर रहे कि कौन से एंगल से ना इसका फोटो जो है वो अच्छे से आएगा। तो अभी लोगों ने बोला कि इधर से लाइट आ रही थी, दिव्या को हमने मूव कर दिया दूसरे साइड में, तो यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था एंड दिव्या ना मस्त एकदम खेल रही थी, क्योंकि अभी उसका फीड वगैरह हो गया था तो वो एकदम खेलने वाले मूड में थी एंड अच्छे से इन्जॉय कर रही थी। उसके बाद फोटोग्राफर ने बोला कि अंदर अच्छे पिक्स नहीं आ रहे क्योंकि लाइट इतना इफेक्टिव नहीं है, तो उन्होंने बोला कि बाहर गैलरी में ट्राई करते, तो हमने गैलरी में बाहर एक मैट्रेस डाला उसके ऊपर वो बेडशीट डाल दी, दिव्या को भी बाहर गैलरी में लेटाया, दिव्या देखो मस्त खेलते खेलते अपना फोटोशूट करवा रही। उसके बाद उसको हमने ना ड्रेस चेंज किया एंड उसके प्ले जिम में उसको लेटा दिया, तो क्योंकि वो थोड़ा सा रोने वाली थी तो हमने सोचा थोड़ी देर प्ले जिम में लेटा देंगे ना तो वो थोड़ा सा खेलने लगेगी, तो प्ले जिम में भी थोड़े से फोटोज़ की क्लिक करवा लिए थे हमने। एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था ना बलून वाली थीम में फोटोशूट करवाना, तो ये वो थीम थी, ऐसे बलून रख के मैंने सोचा था उसका फोटोशूट करवाऊंगी, तो यहाँ पे बलून रख दिए, नीचे हम लोगों ने इस बार ना ब्लैक कपड़ा डाल दिया जो मैंने महाशिवरात्रि के फोटोशूट के लिए यूज़ किया था, तो बस अभी दिव्या का इस तरीके से अलग अलग स्टाइल में फोटोशूट हो रहा है। तो ये है मेरा वाइट ड्रेस जिसके बारे में मैंने बोला था, तो ये पूरा इस तरीके से सॉलिड है, थोड़ा सा गाउन पैटर्न में है, तो अभी मैंने अपना ड्रेस फाइनली पहन लिया है क्योंकि अब हम ना दो तीन फोटो अपने दिव्या के साथ में क्लिक करवाने वाले हैं, मैं रवि एंड दिव्या, तो मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ अपना ड्रेस पहन के। तो गाइस फाइनली फोटोशूट हो गया है, एक्चुअली दिव्या बीच में क्रैंकी हो गई थी, उसको भूख भी लग गई थी, तो वापस उठाया उसको, फीड कराया, उसका ड्रेस चेंज किया, देन फिर क्योंकि मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट हमारे साथ एक दो पिक आ जाए उसके, तो फाइनली हमारे दो चार पिक्स आ गए उसके साथ में, हमने कंबाइंड पिक भी लिया दोनों के साथ, सिंगल सिंगल पिक भी लिया एंड दिव्या के भी कुछ फोटो और क्लिक हो गए हैं, तो बस उसके दो ही ड्रेस में फोटोशूट हो पाया क्योंकि उसके बाद उसका स्टैमिना जो था वो नहीं था एंड मैंने भी उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया, तो अभी उसका जो एक ड्रेस बचा है उससे मैं कभी घर पे खुद से ही शूट कर लूँगी। तो दिव्या का जो स्ट्रोलर है वो भी आ गया है, तो अभी चलो मैं आप लोगों को ना उसका स्ट्रोलर दिखा देती हूँ। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि कौन सा लेना है क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड है, इतनी वैरायटी हर ब्रांड में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि कौन सा लें। मैंने बेबी हक के भी चेक किए थे बट मुझे बेबी हक के इतने पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने जो स्ट्रोलर लिया है दिव्या के लिए वो आर फॉर रैबिट ब्रांड से लिया है, वो काफ़ी अच्छा है, उसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं दिव्या को ना स्ट्रोलर पर रोज शाम में नीचे घुमाने लेके जाऊँगी एंड जैसे घर में कभी कोई नहीं रहेगा ना तो उसको, जैसे मुझे कुछ काम करना किचन वगैरह में, तो उसको स्ट्रोलर पर रख के वो सब काम आसानी से हो जाते हैं। बच्चा आपके साथ स्ट्रोलर में किचन में है तो आप बाकी के काम कर सकते हो, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा ना इधर उधर घूमने लग जाता है, जब थोड़ा सा क्रॉलिंग करने लग जाता है तब आप उसको अकेले कोई भी नहीं छोड़ सकते, तो उस कंडीशन में ना स्ट्रोलर बहुत काम आता, तो मुझे स्ट्रोलर पर्सनली चाहिए था दिव्या के लिए। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ एंड स्ट्रोलर दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत प्यारा सा है, तो चलो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट स्ट्रोलर। तो ये रहा दिव्या का स्ट्रोलर एंड जिसे हमने डेकोरेट किया है फाइनली बलून के साथ में। तो जोक्स अपार्ट, एक्चुअली दिव्या का फोटोशूट किया था ना तो वो बलून इधर उधर उड़ रहे थे, तो मैंने ना यहाँ पे स्ट्रोलर में ही बांध दिया कि अच्छा लगेगा एंड दिव्या देखेगी तो उसको मस्त पसंद आएगा। तो चलो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से ना इस तरीके से ओपन हो जाता है जिसमें तीन सिटिंग पोजीशंस हैं, तो उसके हैंडल को आप बहुत ही आसानी से आगे पीछे कर सकते हो आपको जिस तरीके से बेबी को घुमाना है, जिसमें कनोपी है एंड अगर आप पीछे साइड से घुमा रहे हो तो यहाँ पर नेट है, यहाँ से आप बेबी को देखते हुए घुमा सकते हो, बेबी को आप आराम से यहाँ से देख पाओगे, तो इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हो कनोपी को जितना यूज़ करना है एंड यहाँ से बैक साइड से ना इसे ज़रा सा आप अगर पुश कर लोगे ना तो ये पूरा ओपन हो जाता है, तो इसमें जैसे आप इन्फेंट बेबी होते हो उन्हें लेटा के घुमा सकते हो। यहाँ पे इसमें बेल्ट भी दिया हुआ है ताकि बेबी को आप सिक्योरली इसमें बिठा सकते हो, लेटा सकते हो, बेबी गिरेंगे नहीं। नीचे के साइड में एक ट्रे है, अगर बेबी के पैर ज़्यादा लंबे नीचे लटक रहे हैं तो इसमें आप बेबी के पैर को यहाँ पर रख सकते हो, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड बहुत ही लाइट वेट है, आप इसे आराम से ट्रैवल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। नीचे के साइड में यहाँ पे ना ये दिया हुआ है, इसमें आप कुछ स्टोरेज का सामान रख सकते हो, ट्रे को बहुत ईजीली आप रिमूव कर सकते हो अगर आपको नहीं यूज़ करना है, तो बस ये इस तरीके से इसमें तीन सिटिंग पोजीशन है, जैसे बेबी जब बड़े हो जाते तो आप उन्हें बिठा के कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसे ज़रा सा पुश करोगे ना तो इस तरीके से पूरा फोल्ड हो जाता है। दिव्या भी सो के उठी थी, वापस फिर लिया एंड ये देखो अभी वापस सोने वाली कंडीशन में है, आंखें बंद कर रही है। अच्छा कई बार ये है ना ऐसे करती, इसको लैप पे लेके रखा ना तो ये सोती है, जैसे इसको नीचे उतारा ना तो ये वापस से उठ जाती है तुरंत। तो अभी देखो आधी आधी नींद में है, आधी आंखें खोली हुई है एंड आधी आंखें बंद करके मस्त सो रही है। एंड ये वाला जो ड्रेस है ना इसको थोड़ा सा भी बड़ा आ रहा है, यहाँ शोल्डर से ना थोड़ा सा उतारा, तो आई थिंक एक महीने के बाद में ना ये ड्रेस इसको अच्छे से आ जाएगा। वैसे काफ़ी क्यूट लग रहा है एंड समर के हिसाब से बहुत प्यारा सा ड्रेस है, बट अभी बस जरा सा ये शोल्डर से ना नीचे उतर रहा है इसको।
देखो कैसे आंखें खोल रही है, आंखें खोलती देखती सब लोग हैं मेरे पास कि नहीं, उसके पास सो जाती है। उठो बाबू, चलो उठ जाओ। देखो अभी भी आधी नींद में है। ईशा देखो ऐसे सोते सोते ना बीच बीच में स्माइल करती है, बहुत बार स्माइल करती, कभी कभी एकदम रोने जैसे एक्सप्रेशन देती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्माइल करती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है न्यूबॉर्न वो ऐसे ही करते हैं। मैंने मेरे नेफ्यू को भी देखा था, वो भी ना बहुत छोटे में स्माइल करता था। तो दिविशा भी ऐसे बीच बीच में ना कभी कभी तो ये बहुत जोर जोर से खिलखिला के भी एकदम हंसती है। तो चलो अभी ना शायद सोने के ही मूड में है, तो मैं इसे ना सुला देती हूँ वापस से। तो गाइस मैंने ना ये फीडिंग कवर मंगवाया था, ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन मंगवाया है। अच्छा बहुत सारी वैरायटी है, बट मुझे ये वाला ठीक लग रहा था। एक तो ब्लैक कलर में है, तो ट्रांसपेरेंट में है, ये थोड़ा सा ना होजरी काइंड ऑफ फैब्रिक में है, तो इस तरीके से इसका कुछ फैब्रिक है। ये ना ये इसमें बीच में इस तरीके से बटन से ओपन करके ना इसको एज अ स्टोल भी यूज़ किया जा सकता है, एंड इसको ना पहन के आप बेबी को पब्लिक प्लेस में स्पेशली फीड करा सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि ना जब हम लोग ऐसे बाहर कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा ना हम कंफर्टेबल नहीं लगता है फीड कराने में। घर पे भी सडनली कभी कोई आ जाता है, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेस पे हो, कैब वगैरह में हो या एयरपोर्ट पे हो, मॉल वगैरह में हो, तो बेबी को फीड कराने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से पहनना है। तो इसको ना इस तरीके से आप पहन सकते हो, इस तरीके से पूरा कवर हो जाता है, जिसमें आप बेबी को आराम से अंदर लेके फीड करा सकते हो। बहुत कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एंड इसको ना आई थिंक ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे इस साइड से करके भी ना आप इसे एज अ साइड करके भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे करने पे क्या होगा ना, पीछे से भी कवर हो जाएगा एंड यहाँ से भी कवर रहेगा। तो जिस साइड पे बेबी को फीड कराना उस साइड में ऐसा कर सकते हो, एंड ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हो, साइड में यूज़ कर सकते हो, फ्रंट में यूज़ कर सकते हो, एंड बटन को ओपन करके ना एज अ स्टोल भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बेबी को पब्लिक प्लेस पे फीड कराने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसे लिया है अराउंड कुछ 320 के रेंज में आसपास, फर्स्ट क्राई से ही मंगाया, क्योंकि फर्स्ट क्राई पे इसका जो प्राइस था वो काफ़ी अफोर्डेबल था। तो ये मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि मुझे अभी ना बाहर ट्रैवल करना है, तो उस टाइम पे मुझे ना इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है दिशा को फीड कराने के लिए, इसलिए मैंने ना इससे परचेज़ किया है। मैंने पिलो मंगाई थी ना जो आपको लास्ट टाइम दिखाई थी वीडियो में, वो मैंने अभी यूज़ की दिविशा के ऊपर, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं लग रही है, क्योंकि ये दिविशा इसमें भी अपना हेड जो है वो थोड़ा बहुत मूव कर रही है, जितना हमेशा मूव करती उतना नहीं कर पा रही है, बट स्टिल वो एकदम पूरे टाइम सीधा नहीं रख रही है, लेफ्ट और राइट में थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है। तो इफेक्टिव है बट उतनी भी नहीं है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, 100 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा तो कुछ कॉस्ट है नहीं, बट लाइक जो पर्पस है इसका मेन कि पूरा रिजॉल्व हो जाएगा वो तो नहीं है। आपको आपके बच्चे को खुद ही सिखाना पड़ेगा कि बाबा हेड जो है अपना वो सीधा रख के सोए। बट ये लोग ना एक्चुअली रात में सोते सोते या दिन में जब भी सोते हैं ना, तो सोते सोते लेफ्ट या राइट में ही हेड कर लेते, पता नहीं इन लोगों को क्या आदत होती है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत यूज़फुल है, बट मेरे ख्याल से इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं है ये। तो गाइस दिविशा तो वापस से फीड लेके सो गई है, एंड अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, अभी मेरा लंच भी नहीं हुआ है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो चलो बस इस वीडियो में इतना ही था। दिविशा के जो पिक्स हैं वो ना जैसे ही मुझे मिल जाएंगे तो मैं इस वीडियो के एंड में ही अटैच कर दूँगी, तो आप लोग उस पिक्स को चेकआउट करना। एंड काफ़ी क्यूट क्यूट पिक्स आए हैं दिविशा के, आई एम रियली वेटिंग। उसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह बाकी, एडिटिंग के बाद वो हमें मिल जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से ना वीडियो में ही शेयर करूँगी उसके पिक्स, एंड में वीडियो के अटैच कर दूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि दिविशा के पिक्स कैसे आए। जैसे दिविशा ने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी टाइम लगा उसके फोटोशूट में, बट वो काफ़ी अच्छे से करवा रही थी, बट दो ही ड्रेस में हो पाया, बाकी के ड्रेस में मैं बाद में घर में खुद से ही कर लूँगी। एंड यहाँ पर ये दिविशा का नाम है, आप लोगों ने अगर मेरा जो बेबी का नेमिंग सेरेमनी वाला वीडियो देखा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने जब बेबी का नेम रिवील किया था तो ये नाम था। मैं ये नाम ना वहाँ से लेकर आ गई थी, मैंने बोला कि मैं इसे रूम पर लगाऊंगी। आई नो आप लोगों को ये वीडियो में उल्टा दिख रहा है, क्योंकि वीडियो की में कैमरा की सेटिंग ऐसी हो रखी है, तो यहाँ पर ना दिविशा का जो नाम है वो मैंने यहाँ पर रूम में लगा के रख दिया है। तो चलो बस दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया देन वीडियो के लाइक बटन को जरूर से हिट कर देना। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए कीप वॉचिंग दी मॉम स्पॉट बाय ज्योति। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।